Yes, good morning, students. Please raise your hand for attendance. If audio video is clear, then please raise your hand. Do it fast. Okay, thank you. अब देखिए, हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आप ये जानते हैं। तो मैं पहले प्रॉपर्टीज लिखता हूँ जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले उन प्रॉपर्टीज के बारे में लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल नॉन मेटल स्टडी कर रहे थे, इसमें लिखा था हमने, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉन मेलिएबल, मेटल इज मेलिएबल एंड नॉन मेटल इज नॉन मेलिएबल, मतलब कि इसके थिन शीट नहीं बनाए जा सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट देखिए, सभी म्यूट कीजिए खुद को। अब देखिए, नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होंगे, मेटल्स जो है वो डक्टाइल होंगे। इसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिख करके बताई थी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या पहले इलेक्ट्रिसिटी लिख देते, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोर्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें हमने लिखा था पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको छोड़ करके एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर, इट इज ए बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जो है वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं। एक्सेप्ट, इसमें भी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड हीट को कंडक्ट कर सकता है, डायमंड हीट का कंडक्शन कर सकता है, थोड़ा फास्ट करता है मतलब बाकी सब नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, इसलिए हमने लिखा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर के। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है, अब मैं आपको इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक characteristic is metals are luster, metals are luster, L-U-S-T-R-E। जो metals होते हैं वो luster होते हैं, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको, metals are luster, जो metals होते हैं वो luster होते हैं, luster, luster का meaning होता है shiny, luster का क्या meaning है, shiny। तो जो भी मेटल्स आपको मिलेंगे वो सब शाइनी होंगे, सिल्वर मेटल हो, गोल्ड मेटल हो, आयरन हो, कॉपर हो, किसी भी तरह का मेटल हो, सब मेटल्स जो हैं उनका अपीयरेंस कैसा होता है, वो कैसे दिखाई देते हैं, वो शाइनी दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आयरन के ऊपर तो रस्ट आ जाती है, जंग लग जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आयरन को ऐसा कट करेंगे, तो जैसे ही कट करेंगे अंदर से जो दिखाई देगा वो आपको शाइनी दिखाई देगा, नो डाउट। उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिसको रस्टिंग बोला जाता है, जिसको रस्ट बोला जाता है, तो हम उसको कट करते हैं, कट करने पर अंदर से वो मेटल कैसा दिखाई देगा, शाइनी दिखाई देगा। तो मेटल्स जो है उनका अपीयरेंस शाइनी होता है, उसके ऊपर लेयर आ जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन अपीयरेंस उसका कैसा होता है, शाइनी। नेक्स्ट में क्या लिखें, आर नॉट
लस्ट्रस, LUSTROUS, LUSTROUS, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब वो शाइनी नहीं है, नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी नहीं होते हैं। इसको छोड़ करके एक्सेप्ट आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये भी नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इन तीन को छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल्स, नॉन शाइनी होते हैं, वो चमकदार नहीं होते हैं, डल होता है उनका अपीयरेंस, ऐसा होगा डल। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो नॉन मेटल्स हैं वो लस्ट्रस नहीं हो, को छोड़ करके आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड, इन तीन को छोड़ करके बाकी सब नॉन मेटल्स आपको कैसे मिलेंगे, डल मिलेंगे, डल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब यस निष्ठा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आई वाज हैविंग डाउट दैट सर, इफ एनी पर्सन गोज विद डायमंड रिंग टू द साइड ऑफ फ्लेम देन इट इज डेंजरस। सॉरी, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन अगेन सर। इफ एनी पर्सन गोज विद डायमंड टू द साइड ऑफ फ्लेम और हीट सर, इट विल बी डेंजरस बिकॉज़ इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नो, इट इज नॉट नॉट दैट, इतना ज्यादा भी नहीं है कि मेटल्स की तरह कंडक्शन कर सकते। ऑब्वियसली उसको हीट से दूर रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसको हीट से दूर रखना पड़ेगा। उसका एक रीजन और भी है, बिकॉज कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। डायमंड जो है उसके अंदर प्योर कार्बन है, डायमंड जो है वो तो प्योर कार्बन से बना हुआ है, और अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, कार्बन को गर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से स्टार्ट हो जाए, तो वो तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायमंड रिंग के अंदर से डायमंड जो है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाकर के कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये हीट को ट्रांसफर कर सकता है, नो डाउट कर सकता है। इसी तरह से आप देखो, हमने ज्वेलरी भी तो पहन रखी होती है, अगर वो ज्वेलरी हीट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा, तो वो भी तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगी। अब आपने डायमंड पहन रखे, अगर वो हीट के कॉन्टेक्ट में आएगा, ऑब्वियसली वो गर्म होगा, और गर्म होकर के जब आपकी स्किन को टच करेगा तो आपकी स्किन को हॉटनेस फील होगी, गर्म फील होगा। तो हीट को कंडक्ट कर सकता है डायमंड, कर सकता है। हम उसको अगर ज्वेलरी की तरह वियर कर रहे हैं और उसको गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, वो मेटल्स भी करेंगे, ऑर्नामेंट्स भी करेंगे, डायमंड भी कर सकता है। इट इज रिटन हियर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट डायमंड, सिर्फ डायमंड को छोड़ देंगे। यस प्रियांश। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जो ग्लास है सर, वो नॉन मेटल है मेटल? चलो अगर नॉन मेटल है तो सर वो शाइन कैसे करते हैं? कौन सा नॉन मेटल है सर? ग्लास। ग्लास नॉन मेटल है? ऐसा क्यों? सर आई वाज जस्ट आस्किंग। ग्लास तो मिक्सचर है, ग्लास जो है वो तो सैंड से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। आप सैंड को लीजिए, उसको 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दीजिए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उससे ग्लास बन जाएगा। ठीक है, तो ग्लास जो है वो मेटल नॉन मेटल से नहीं आ रहा है, उसमें मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनका मिक्सचर होता है, उसको सैंड बोलते हैं और उसी से ग्लास बनते हैं। थैंक यू। अभी हम प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, ये मेटल नॉन मेटल जो थे एलिमेंट से, और एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस थे, अभी हम इम्प्योर वाले पोर्शन पर नहीं गए हैं चैप्टर के। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहां तक आपने समझ लिया कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, उनका अपीयरेंस आपको कैसा मिलेगा, शाइनी मिलेगा, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मतलब कि शाइनी नहीं होते, नॉट लस्ट्रस। इसको छोड़ करके आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड, जो पेंसिल लीड होती है वो शाइनी होती है, चमकदार दिखती है, तो वो तो शाइनी है लेकिन वो एक नॉन मेटल है, तो इन तीन को छोड़ना पड़ेगा, ये तीन एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं यहां पर लिखता हूँ, ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर ली है, दो दिन से हम यही स्टडी कर रहे हैं, चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं अभी तक, फिफ्थ एंड नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी।
metals are hard except sodium and potassium. Except sodium and potassium. जो metals हैं वो hard होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, किनको छोड़ करके, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। देखिए आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब हार्ड मेटल्स हैं। सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट मेटल है। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम मैंने लिखा है, आप इसको क्या बोलेंगे? दीज आर द सॉफ्ट मेटल्स। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ये मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, और उसके अलावा जब हम इनको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो ये ब्रेक डाउन भी हो जाएंगे, टूट भी जाएंगे, पीसेस के अंदर डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम पोटेशियम इनको छोड़ करके बाकी सब मेटल्स आपको हार्ड मिलेंगे। नाइफ से इसको कट कर सकते हैं, हैमर से बीट करेंगे तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो थिन शीट में कन्वर्ट होता है, ऑब्वियसली मेटल है। तो नाइफ से इनको कट किया जा सकता है, बस आपको ये याद रखना है, सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि इनको इजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। तो इन मेटल्स को छोड़ करके बाकी सब मेटल्स हार्ड होते हैं। बाकी सभी मेटल्स कैसे मिलेंगे आपको? हार्ड। नेक्स्ट इसमें देखिए, नॉन मेटल्स में अब हम सिक्स पॉइंट लिखते हैं। इसमें लिखेंगे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सॉफ्ट लिखने का मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं इजीली, हैमर से, नाइफ से उनको तोड़ा जा सकता है, तो इसलिए इनको सॉफ्ट बोला जा रहा है या ब्रिटल बोल सकते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, डायमंड को छोड़ करके, एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है अभी तक हमारे लिए जो नॉन है, जिसको हम जानते हैं, वो डायमंड है। तो यूनिवर्स के अंदर या अभी हमारे वर्ल्ड में अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्व किया गया, जो भी ऑब्जर्वेशन पाई गई है कि जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो कौन सा है, वो है डायमंड। जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो डायमंड है। तो बाकी सब नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ग्रेफाइट ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, और उसके अलावा ब्रोमीन। तो ये सब जो भी मैं आपको नॉन मेटल्स के नाम बता रहा हूँ, फॉस्फोरस हो गया, ये सब नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं। ये सब नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं किसको छोड़ करके? डायमंड को छोड़ करके। डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है, और सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल। मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इनकी दोनों की एक्सेप्शंस हैं। मेटल्स सारे हार्ड हैं सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके, नॉन मेटल्स सभी सॉफ्ट हैं किसको छोड़ करके? डायमंड को छोड़ करके। सेवन पॉइंट में हम लोग चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बोलते हैं। क्या लिखेंगे? ऑल द मेटल्स आर इन सॉलिड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बात की जाती है, 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपने 300 केल्विन लिखा था। 27 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर, या 300 केल्विन बोल सकते हैं। तो सभी मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं किसको छोड़ करके? यहां पर भी एक एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी एक मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मर्करी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, लेकिन बाकी सब मेटल्स जो है वो तो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो आपके पास जो भी मेटल्स हैं, आपके आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, कॉपर की वायर्स हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स हैं, उसके अलावा हम लोग स्टील का यूज कर रहे हैं, स्टील एक मिक्सचर है दो तीन मेटल्स का, उसके अलावा ब्रास का यूज किया जाता है, पीतल का। तो ये सब जो है ये नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, ये सब मेटल्स हैं, और ये मेटल्स कौन सी स्टेट में है? ये सब सॉलिड स्टेट में है। किसको छोड़ करके? मर्करी को छोड़ करके। अब मर्करी की बात करते हैं। जो मर्करी है वो मेटल है, जो मर्करी है वो मेटल है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज है। हम इसको ठंडा कर देंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। कैसे? अब देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 19 डिग्री सेल्सियस। 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही ये मेल्ट हो जाता है। अब मान लीजिए मर्करी को हमने रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो मर्करी रूम टेम्परेचर पर कौन से स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में।
मर्करी रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में। तो सभी मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़कर के, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर के मर्करी को, बाकी सब सॉलिड है। अब नॉन मेटल्स पे आते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट तो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलते हैं, तो लिखेंगे नॉन मेटल्स आर सॉलिड कॉमा लिक्विड एज वेल एज गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो गैस स्टेट के अंदर भी हैं एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल सुनिए अब इसके, इसके एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, कौन कौन से लिक्विड स्टेट में। जैसे पहले सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में कौन कौन मिलेगा? सल्फर फॉस्फोरस, ये कौन से स्टेट में मिलते हैं? ये मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। कार्बन भी हो गया, कार्बन भी लिख सकते हैं आप, ये भी सॉलिड स्टेट में मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड, तो ये तीन एलिमेंट सॉलिड स्टेट में, ये तीनों एलिमेंट कैसे हैं? ये तीनों एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं। अब लिक्विड का एग्जांपल सुनिए, ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है वो आपको कौन सी स्टेट में मिलता है? रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट ब्रोमीन के बाद आएगा गैसेस, गैसेस की बात करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2N2, हाइड्रोजन, H2, नियॉन, NE, ये सब क्या है? ये सब गैसेस हैं। कौन सी स्टेट में मिलते हैं? ये गैस स्टेट में। तो नॉन मेटल्स जो है, अच्छा जो मेटल्स है वो कौन सी स्टेट में? ऑल द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में है, सिर्फ एक को छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके। और नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में आपको मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन सॉलिड स्टेट में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन, ये सब गैस स्टेट में मिलते हैं। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इधर जो मैंने लिख रखे हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और इन नॉन मेटल्स की अलग अलग स्टेट है, कोई सॉलिड स्टेट में है, कोई लिक्विड स्टेट में, कोई गैस स्टेट में है। मेटल्स के लिए क्या याद रखेंगे? मेटल्स तो सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ करके। तो सभी मेटल्स सॉलिड है, जबकि नॉन मेटल्स, जबकि सॉरी सभी मेटल्स जो है वो सॉलिड है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है? वो सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, और कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेस भी हैं। ओके, सो दिस इज द सेवंथ पॉइंट। अब हम बात करते हैं एट्थ पॉइंट के बारे में। एट्थ पॉइंट कलर की बात कर लेते हैं कि मेटल्स का कलर कैसा होता है। मेटल्स आर जनरली, ज्यादातर मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर, मेटल्स आर जनरली, इसमें भी एक्सेप्शन आएंगे, एक्सेप्ट गोल्ड। गोल्ड जो है वो कौन से कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है। एंड गोल्ड को छोड़ करके उसके अलावा एक मेटल और है, कॉपर। कॉपर का जो कलर है वो रेड ब्राउन बोला जाता है। ओके, तो क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ से? जो मेटल्स हैं जनरली उनका कलर ग्रे होता है, आयरन डार्क ग्रे, जिंक लाइट ग्रे, एल्यूमिनियम उससे भी लाइट ग्रे है, सिल्वर व्हाइटिश ग्रे। तो बेसिक कलर ग्रे रहेगा, वो लाइट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, लेकिन कलर कौन सा मिलेगा आपको? ग्रे मिलेगा। तो मेटल्स जो भी आपको मिलेंगे वो लगभग सारे ग्रे कलर के, वो सारे लगभग कौन से कलर के हैं? ग्रे कलर के हैं। किसको छोड़ करके? कौन से दो मेटल्स मैंने बताए? गोल्ड येलो कलर का है, कॉपर रेड ब्राउन कलर का है। जो गोल्ड है वो येलो कलर का होता है और कॉपर जो है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। तो कलर है वो कैसा होता है? ग्रे। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए नॉन मेटल्स में एट्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं। नॉन मेटल्स में एट्थ प्रॉपर्टी,
जो नॉन मेटल्स हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। मेटल्स के लिए मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, सारे मेटल लगभग ग्रे कलर के होते हैं, बट नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स आर ओ डिफरेंट कलर्स। एग्जाम्पल सुनिए, जो नॉन मेटल्स हैं वो अलग अलग कलर के हैं। सबसे पहला कार्बन, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं, जैसे ग्रेफाइट की फॉर्म में वो ब्लैक होगा, कॉल कोयले की फॉर्म में वो ब्लैक दिखाई देगा, उसके अलावा डायमंड की फॉर्म में कलरलेस होगा। तो कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ठीक है। तो मैं ये एग्जाम्पल नहीं लिख रहा जिसका कलर फिक्स नहीं है, वो उसका कलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। सल्फर, सल्फर का कलर फिक्स है, ये येलो कलर का सॉलिड होता है, येलो कलर का पाउडर होता है। सेकंड सल्फर हो गया, इसके बाद में आप लिख सकते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड स्टेट में मिलता है, और ये कौन से कलर है ब्रोमीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कैसी होती है, वो तो कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता उसका, तो कलरलेस गैस है वो। इसी तरह से और भी गैस लिख सकते हैं आप, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कलरलेस है, नाइट्रोजन भी कैसी गैस है, कलरलेस गैस है। तो देख लीजिए आप इसके अंदर जो नॉन मेटल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, और उनका कलर मैंने अभी आपको बताया। जो सल्फर है वो कौन से कलर का है, जो सल्फर है वो आपको कौन से कलर का मिलेगा, येलो कलर का। ग्रेफाइट जो है ब्लैक कलर का होगा, क्लोरीन जो है वो येलोइश कलर की गैस है। तो अभी मैंने आपको दो गैसेस बताई है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, एक गैस और बता देता हूँ, चलो क्लोरीन, ये कलरलेस नहीं होती है, ये होती है येलोइश ग्रीन कलर की, येलोइश ग्रीन। और ये क्या है, क्लोरीन भी एक गैस होती है, जिसको किससे लिखते हैं, Cl2 से लिखा जाता है, ये इसका केमिकल सिंबल है Cl2। तो देख लीजिए सारे मेटल्स ग्रे होते हैं, गोल्ड और कॉपर को छोड़ करके, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। सल्फर येलो कलर का होता है, ब्रोमीन रेड ब्राउन होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कलरलेस है, क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन कलर की गैस है। कार्बन लिखना चाहें तो कार्बन का आपको फॉर्म बताना पड़ेगा, कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं आप, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आप इसके लिए ब्लैक लिख सकते हैं या डार्क ग्रे कलर लिख सकते हैं। तो मेटल्स के कलर फिक्स हैं ग्रे, सिर्फ इन दो को छोड़ करके, और नॉन मेटल्स के जो कलर है वो फिक्स नहीं है, सभी नॉन मेटल्स के जो आपको कलर मिलेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। सो दिस इज द 8th पॉइंट। अब हम बात करते हैं 9th पॉइंट के बारे में। स्टेट की बात कर ली, कलर की बात कर ली, हार्डनेस की बात कर लेते हैं। हार्ड भी मैंने आपको बता दिया, मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसको छोड़ करके, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। अब हम बात करते हैं इसके सोनोरस, एक प्रॉपर्टी रह गई है, कौन सी, सोनोरस। क्या लिखेंगे, मेटल्स आर सोनोरस, SONORUS, बिकॉज they produce ringing sound, because they produce ringing sound when we struck them, जब उनको हथौड़े से मारा जाएगा या उठा करके जमीन पर पटका जाएगा तो उस समय पर वो ringing sound produce करेंगे। अब सबसे पहले ये ringing sound क्या होती है इसको समझिए। ringing sound का मतलब होता है जो आवाज गूंजती है, गूंजने का मतलब है कि जो ज्यादा समय के लिए एनवायरनमेंट में रहेगी और लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबी दूरी तक सुनाई देगी। जैसे कि स्कूल के अंदर बेल बजती है तो उसको 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। तो बेल जो है वो मेटल से बनी हुई है। मेटल से क्यों बनाया गया, क्योंकि मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं, जब हम उनको स्ट्राइक करेंगे हैमर से तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स को क्या बोला जाता है कि वो सोनोरस है। सोनोरस वर्ड का मीनिंग है दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको सोनोरस बोला जाता है, सोनोरस।
क्या लिखा, मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्रक देम, जब हम उनको हथौड़े से मारते हैं या उठा करके पटक देते हैं जमीन पर, तो उस समय पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वो रिंगिंग साउंड का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जो साउंड लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है और एनवायरमेंट में आपको एक सेकंड या डेढ़ सेकंड तक सुनाई देती है, उसको रिंगिंग साउंड बोला जाता है। नॉन मेटल्स 9th पॉइंट लिख रहे हैं, नाइन्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ग्रेफाइट को लिया हमने, सल्फर को लिया, ये ग्रेफाइट की या सल्फर की रोड है, मैं जैसे इस पर स्ट्राइक करता हूँ तो ब्रेक डाउन हो जाता है, रिंगिंग साउंड तो कैसे प्रोड्यूस करेगा, कर ही नहीं पा रहा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो तो गैसेज है, ठीक है, अब हवा के अंदर थोड़ा मार रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, साउंड ही नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो जो नॉन मेटल्स है वो नॉट सोनोरस नहीं है, सोनोरस नहीं है तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए जो बेल होती है वो मेटल की बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक बेल हो, इलेक्ट्रिक बेल जो हम लोग घर पर यूज करते हैं उसके अंदर एक मेटल का गोंग लगा होता है जिस पर हैमर ऐसा स्ट्राइक, उसकी वजह से वो वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, वाइब्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे जो एटमोस्फेयर में ज्यादा समय के लिए रहेगी और लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको सुना जा सकता है, लंबी दूरी तक उसको सुना जा सकता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखो 10th पॉइंट देखिए, ये सोनोरस वाला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, 10th पॉइंट है, इसको समअप करते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, वो टेम्परेचर था जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जिसमें कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको बॉइलिंग बोलते थे, और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल सुनिए, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आएंगी। सोडियम पोटेशियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो यहां लिखेंगे एक्सेप्ट सोडियम एंड सभी मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला है आयरन, आयरन का जो मेल्ट 235 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। नेक्स्ट कॉपर, कॉपर भी एक मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, कितना टेम्परेचर करेंगे तब जाकर के वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, 1083 डिग्री सेल्सियस। और जो एल्यूमिनियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट, लगभग बता रहा हूं मैं, 675 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं, 680 भी हो सकता है, 690 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एल्यूमिनियम जो है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, अप्रोक्सीमेट लगभग 675 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं, ठीक है। तो आयरन 1535 डिग्री पे मेल्ट होता है, कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, एल्यूमिनियम लगभग अप्रोक्सीमेट 675 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्ट होता है। तो ये मेटल्स है और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, किनको छोड़कर के, सोडियम और पोटेशियम, ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं, सोडियम का 98 होता है, इसका 96 या 95 होता है। तो सोडियम पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं और उसके साथ साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तभी तो वो सॉफ्ट मेटल्स है, तभी इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, 100 डिग्री सेल्सियस करते ही पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, सॉलिड से कौन से
हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, या नॉन मेटल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन का जो वो बहुत कम है, कितना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन N2, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप टेम्परेचर लेकर के जाएंगे, तब जाकर के जो नाइट्रोजन है वो गैस से लिक्विड स्टेट में आएगा, वो गैस से लिक्विड स्टेट में आएगा, या -196 टेम्परेचर होगा उस समय पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा। अभी रूम टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 220 का डिफरेंस आ रहा है, 220 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, -196 है, और मेल्टिंग पॉइंट और भी कम होगा, लगभग 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास, -270 मतलब 0 केल्विन के आसपास, 0 केल्विन बताया था ना, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तब जाकर के वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल जो है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, किसको छोड़ करके, या अभी याद नहीं रखेंगे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सिर्फ आपको ये याद रखना है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल जो है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, मतलब कि कम टेम्परेचर पर भी वो कन्वर्ट हो सकते हैं, स्टेट में चेंज कर सकते हैं, ओके। इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इनको 1535 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के जाना पड़ेगा आयरन को, तब जाकर के ये मेल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जो ग्रेफाइट है उसको हम लोग टाइल्स बनाने में यूज करते हैं, ये 3500 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, और ये एक अच्छा कंडक्टर भी नहीं है, ये हीट को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब देखो मान लीजिए हमने जो रॉकेट्स होते हैं उसके ऊपर ग्रेफाइट की टाइल्स लगाई जाती है, उसका रीजन क्या है, जो रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं, जब रॉकेट प्रोपल्शन होता है उस समय पर रॉकेट हाई वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और रास्ते में आएंगे एटमोस्फेयर के पार्टिकल जिससे क्रिएट होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ये मेटल इतना गर्म हो जाएगा कि ये मेल्ट हो सकता है। ये रॉकेट मेटल का बना हुआ है और मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे आयरन है तो 1535 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगा, और रॉकेट का टेम्परेचर तो 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जब वो एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा होता है, तो रॉकेट तो मेल्ट हो जाएगा अगर मेटल का बना होगा। तो उसको मेल्ट होने से बचाने के लिए किसकी टाइल्स लगाई जाती है, ग्रेफाइट की टाइल्स लगाई जाती है। तो जो रॉकेट होते हैं उनका जो टॉप सरफेस होता है ये वाला, बाहर की जो लेयर्स होती हैं, इन सब पर किसकी टाइल्स लगी होती हैं, इन पर ग्रेफाइट की टाइल्स लगी होती हैं, यहाँ पर इस जगह पर ग्रेफाइट की टाइल्स लगी होंगी, ताकि जब ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा या एटमॉस्फेयर में आएगा उस समय पर इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएगा, लेकिन 2000 डिग्री पर तो ग्रेफाइट मेल्ट ही नहीं होता, वो तो कितने पर होता है 3500 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगर उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस चला भी जाएगा तब भी वो रॉकेट मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ ग्रेफाइट की टाइल्स लगी हुई है, और ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर भी नहीं है, हीट को ट्रांसफर भी नहीं करता, तो बाहर की हीट बाहर ही रहेगी, वो अंदर की तरफ उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एक पॉइंट बचा है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, टाइम भी नहीं बचा है, एक मिनट से भी कम समय, खत्म होने वाली क्लास, तो कल डिस्कस कर लेंगे। 10th पॉइंट बहुत छोटा सा है, 10th पॉइंट तो हो चुके हैं, 11th पॉइंट है लास्ट पॉइंट, वो कल डिस्कस कर लेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।